आदर्श युवा मंडल पुनर में 17 सितंबर को वॉलीबॉल वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। 16 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान अमन राणा ने कहा कि खेलों से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। अमन राणा को कहा कि खेलों का जीवन में बहुत महत्व है। शुभ नाम, मैं अनिल राणा और ये मेरे साथ रामलाल जी खड़े हैं। हम यहाँ पे पुनरगांव में जो अब उस शहर के उपलक्ष्य में 2007 से वॉलीबॉल की ट्रॉफी का जो आयोजन कर रहे हैं, इसमें जो हमारे गांव के ही कुछ लोग जो हैं गणमान्य, जैसे यहाँ के प्रधान मालनू पंचायत के मालिक से हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, और पुनर से हमारे रामलाल जी हैं, सुखदेव जी हैं और प्रभात जी हैं, और साथ में और भी जो कुछ गणमान्य लोग हैं मालनू से मंजीत पठानिया जी हैं, उनके सहयोग से जो अब हम इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। आर्थिक तौर पर भी वो हमारी सहायता करते हैं, और इस बार जो हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं इसके लिए हमने विनर टीम को जो है वो 8100 रुपये का प्राइज़ रखा है, और जो रनर टीम आएगी उसको हमने 5500 रुपये का प्राइज़ रखा है। साथ में हम ट्रॉफी भी देंगे, खिलाड़ियों को मोमेंटो भी देंगे, बेस्ट प्लेयर का भी हमने इनाम रखा है, और साथ में इस इलाके के जो काफ़ी सारे लोग हैं वो इन टूर्नामेंट्स को देखने के लिए आते हैं। 16-17 टीमों ने जो वो इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। जो आपकी कमेटी बनी हुई है या जो भी है, इस कमेटी का नाम क्या है? जी, ये आदर्श युवा मंडल के नाम से हमने, हमारा एक यूथ क्लब है उसके नाम से, मतलब हम इस टूर्नामेंट को करवाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे लोकल गणमान्य लोग हैं वो इसमें हमारी आर्थिक तौर पर सहायता करते हैं। देखिए जी, आजकल बात ऐसी है कि नौजवान जो है वो नशे की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम यही नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं कि जो खेल है, खेल के साथ हमारे शरीर का और हमारी मानसिकता का विकास होता है, और हम नौजवानों को कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा दें, खेलों के साथ जुड़ें, उसको प्रोत्साहन दें, और हमारा भी अपनी तरफ से भी ये प्रयास रहता है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका खेलों के साथ उनको जोड़ें और उनको खेलों में शामिल करें।